हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। तो आज जो मैं मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ वो आप इंडिपेंडेंस डे पे कर सकते हो और रिपब्लिक डे पे भी आप कर सकते हो। तो इस मेकअप को करने के लिए सबसे पहले मैंने कंसीलर अप्लाई करा है, जो कि कंसीलर मैं यूज कर रही हूँ ये है शुगर पॉप का कंसीलर। तो मैंने ना इसे पूरी आईलिड पे अप्लाई कर लिया है और अप्लाई करने के बाद मैंने इसको ब्लेंड कर दिया अच्छे से एंड उसके बाद मैं पाउडर सेटिंग कर लूँगी। पाउडर सेटिंग मैंने यूज़ करा है ये लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर। तो मैं ना कुछ इस तरह का आई मेकअप क्रिएट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने टेप अप्लाई कर ली है। टेप लगाने के बाद ना हमें एक अच्छी सी फिनिश मिल जाती है। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ऑरेंज शेड। बेसिकली मैंने एक फ्लैग ड्रॉ कर रही हूँ अपनी आईज़ पे। ऑरेंज शेड मैंने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद ना मैं यहाँ पे कट क्रीज ड्रॉ करूँगी। तो मैंने कंसीलर की हेल्प से यहाँ पे सबसे पहले कंसीलर अप्लाई कर लिया है। उससे मैंने अपनी क्रीज लाइन पे ना एक कट ड्रॉ कर लिया है, बहुत ही शार्प कट मैंने ड्रॉ करा है, ठीक है। तो उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ, ये शिमर था मेरे पास वाइट कलर का, तो मैंने वाइट शिमर अप्लाई कर दिया है उसके ऊपर। ये वाला जो वाइट शिमर है ना, ये बहुत फॉल हो रहा था, बहुत ज़्यादा गिर रहा था, तो मैंने ना इसको मतलब काफ़ी ध्यान से लगाया। उसके बाद ग्रीन कलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे NYB का लिक्विड लाइनर है ये, और ये लाइनर ना इतना मतलब इतनी देर तक स्टे करता है ना इस पर, मतलब मैंने पूरा अच्छे से फेस वॉश कर लिया, हर एक चीज़ से रिमूव कर लिया, बट तब भी ये लाइनर जो है मेरी आई से रिमूव नहीं हो रहा था। पता नहीं, मैंने हर एक चीज़ लगा ली, ये रिमूव ही नहीं हुआ। 2 से 3 दिन लग गए मुझे इस लाइनर को रिमूव करने में। तो चलिए अब अपना फेस मेकअप स्टार्ट कर लेते हैं। फेस मेकअप के लिए मैंने यूज़ करा है यहाँ पे मॉइस्चराइज़र, जो कि है बायोटीक का। एंड प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे हिलरी रोडा का प्राइमर। तो मैंने इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है काफ़ी अच्छे से। और फाउंडेशन के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये इनसाइड का HD फाउंडेशन, जो कि एग्जैक्ट मेरे ही शेड का है। काफ़ी अच्छे से मेरे को सूट करता है ये और बिल्कुल HD फिनिश प्रोवाइड करता है। तो इसको ना मैंने अप्लाई कर लिया है, पहले हाफ फेस पे करा है, फिर हाफ फेस पे मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। इसकी कवरेज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। पहले मुझे ना ब्रश से लगाना ही ज़्यादा बेटर लगता है, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ये कंसीलर। कंसीलर को भी मैंने अप्लाई कर लिया है अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे एंड फोरहेड पे, नोज़ पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ अप्लाई कर लिया है। एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। और आई मेकअप को और ज़्यादा शार्प करने के लिए मैंने ब्रश की हेल्प से भी कंसीलर अप्लाई कर लिया है एंड देन अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं पाउडर सेटिंग कर रही हूँ। पाउडर सेटिंग के लिए मैंने जो यूज़ करा है वो है ये फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है। तो पहले मैंने पाउडर पफ से कर लिया, फिर मैंने पाउडर ब्रश से भी कर लिया था अच्छे से। फिर ना मैं यहाँ पे ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। तो मेरे पास ना कोई भी ऐसा कोरल काइंड ऑफ ब्लश नहीं था, तो मैंने ये आई शेडो पैलेट से ना ये तीनों ब्लश को लेके और एज अ ब्लश अप्लाई कर लिया है मैंने। और सेम मैंने कॉन्टोर में भी कर लिया है, बिकॉज मेरे पास कोई कॉन्टोर भी नहीं था, तो मैंने आई शेडो से ही पिक करा। एंड साथ ही साथ मैं अपनी नोज़ को भी कॉन्टोर कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने एक डार्क ब्राउन शेड लेके अपने चीक्स को एंड नोज़ को कॉन्टोर कर लिया है। एंड फिर मैं हाईलाइटर भी सेम पैलेट से मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने हाइलाइटर भी अप्लाई कर लिया है और आप देख सकते हो कितने अच्छे से मेरा फेस हाईलाइट हो गया है। लिप लाइनर के लिए मैंने यूज़ करा है यहाँ पे सूज ब्यूटी का लिप लाइनर। सबसे पहले मैंने अपने लिप्स को लाइन कर लिया है, फिर ना ये मार्स की लिपस्टिक है, ये न्यू कलर की लिपस्टिक है ये, तो ये मैं अप्लाई करने वाली हूँ, ठीक है। बिकॉज आई पे हमारा बहुत ज़्यादा मेरे को फोकस करवाना था, इसलिए मैंने लिप्स को बहुत ज़्यादा न्यूड रखा। और आईज़ के बिल्कुल सेंटर में ना आप ब्लू सर्कल भी बना सकते हो, वो मैंने ना मैं बनाना भूल गई थी, अदरवाइज़ आप ना ब्लू कलर की बिंदी भी चिपका सकते हो। और ये हो गया हमारा फाइनल मेकअप। तो अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके गाइज़।